Come on, Sabera. Why are you so sad? लो जी, और तू इधर मुंह बना के बैठी हुई है। सबसे अच्छा तेरा जोड़ा लेके आई हूँ मैं शॉपिंग करके। आप हमारे लिए जोड़ा क्यों लेकर आई? हमें खुद जाकर इस बार अपनी शॉपिंग करनी थी। Exactly. मेरा भी यही प्लान था कि हम सब जाते और अपनी अपनी मर्जी की शॉपिंग करते, क्यों नहीं? तुम खुद ही चली जाना, मुझे वैसे ही बहुत से काम है। हद होगी भाई, तुम लड़कियों का दिमाग ही नहीं मिलता आजकल की है। वो इतनी मेहनत से शॉपिंग करके लाओ तो किसी को कुछ पसंद ही नहीं आता, तो किसी के कोल टाइम नहीं है। हद हो गई भाई। मुमानी जन, आप क्यों उदास होती हैं? आप आपकी लाई हुई चीजें मुझे पसंद आती है ना। आप मुझे दिखाइए, आप मेरे लिए कौन सा जोड़ा लेकर आई है? अब पुत्र, मैं शॉपिंग में भूल ही गई बिल्कुल तेरे लिए, तो मैं कुछ ओहो, उन लड़कों की अम्मियों से बातें भी करनी है। जरा फोन देख लूं, मैंने पता नहीं किधर रख के भूल ही गई हूं। अबे क्या हो गया, दिमाग विमाग तो नहीं खिसक गया? एक तो शादी, वो भी सीधे से, और निकाह भी सुबह करना है। वाह यार, बड़ी फास्ट जा रही हो तुम। अबे यार, एक तो शब्बीर के कहने के बावजूद मैंने उससे निकाह करने में कुछ टाइम लिया था, लेकिन डैडी को तो जैसे मौका ही मिल गया उसको गायब करवाने का। बट मैं अब ये सब कुछ दोबारा नहीं चाहती। लेकिन सोच लो वफा, तुम अपने इस फैसले पर कायम रह पाओगी? मैं अपने फैसले नहीं बदलती। अगर तुम्हें मेरा साथ नहीं देना तो कोई बात नहीं, मैं खुद ही कर लूंगी सब कुछ। वैसे भी शीदा तो राजी हो ही चुका है। अच्छा ना, इमोशनल क्यों होती हो? कुछ करती हूँ यार। अरे हाँ, ये तो बताओ कि सिर्फ निकाह ही करना है या रुख्सत होने का भी प्रोग्राम है? अच्छा ना, मूड क्यों खराब करती है? करती हूँ कुछ यार। ले भाई शीदे, क्या लशक रहा है तू? मैं तो कहता हूँ सारी जिंदगी ना ही बन के तूने लोगों को लशकाया, उनके मुंह रगड़े और ऐसा रंग बाहर निकाला, लेकिन आज जो तू तैयार हुआ है उसने तो कमाल कर दिखाया है। ले भाई, कल निकाह पे सारे तुझे ही देखते रहेंगे। मैं तो कहता हूँ इस मुंह को गाड़ी के आगे। अस्सलाम वालेकुम, द गुड नाइट। वालेकुम सलाम। शीदा, तुम कुछ करते नहीं रहे थे? नहीं जी, मैं बस सोने ही जा रहा था। हाय अल्लाह, तेरा शुक्र है ये सोया नहीं। ये लो है जी। अल्लाह जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया। यानी कि मेरे यकीन को आपने और पुख्ता कर दिया। मुझे पूरा यकीन था सरकार कि मेरी बुड्ढी के लिए सबसे पहला तोहफा आप ही ने देना है, और आपने वही किया। वाह 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 वाह। क्या हो गया तुम्हें? ये तुम्हारी बुड्ढी के लिए नहीं है, ये मेरा है, मेरा। और तुम्हारे निकाह पे तो पहनना है। है? हाँ। अच्छा सुनो, ज्यादा तेज इस्त्री ना लगाना, चल जाएगी। हाँ बहुत अच्छे बेगम साहबा, शाबाशी सीधे। ले भाई शीदे, तेरी भी क्या जिंदगी है, वे अपना होवे या किसी होर दा, काम गरीब को ही करना पड़ता है। हाय, फिर रहता गरीब ही है। कहते? हाँ जी। ये क्या हो रहा है? वो जी स्त्री काफी भारी हो गई ना, उसे जरा भाग करा रहा हूँ। क्या कर रहे हो? देखो शीदे, ईद आ रही है, ईद की शॉपिंग है, मोनी और स्वाय की शादी है, उसकी शॉपिंग है, ऊपर से तुम्हारा निकाह, इतनी सारी शॉपिंग करनी, उसको उठाने के लिए भी तो कुछ चाहिए ना। क्या मतलब जी, मैं सामान उठाने जा रहा हूँ सिर्फ? नहीं, सामान जितनी भी शॉपिंग है उससे कोई संभालेगा ना। चलो तुम हमारे साथ, चलो चलो जल्दी आओ। फड़ना तो नहीं, तुसी तो जाप हो गए। शीदे, परी जी किधर हैं आप? हैं शॉपर? अकेले अकेले? ओहो, पहले मुझे भी बता देना था, मैं भी चलता। और नहीं नहीं, अकेले डर थोड़ी लग रहा मुझे। और कोई नहीं आता चोर, चूर आके तो दिखाए चोर, हिम्मत ही नहीं होगी किसी की चौधरी ताकत के सामने खड़ा होने की। चौधरी ताकत हूँ, आम इंसान तो नहीं हूँ। आए ना कोई तो मैं देखता हूँ, घुमा के देनी है माने उसको। ठीक है, आप शॉपिंग करें। चौधरी ज़ाकत को बहुत लैट ले लिया इन्होंने। चौधरी ज़ाकत की मकनातीसी ताकत का अंदाजा ही नहीं है किसी को। आए तो सही ना कोई चोर, फिर मैंने बताना घुमा के। आए, अम्मी बचाओ। ओए कौन है भाई तू? चोर, एक खतरनाक चोर। ये मेरा मोबाइल ले ले, चला जा भाई, इधर से और कुछ नहीं मेरे पास। मुझे कुछ नहीं चाहिए, और ये लो प्लीज, मार डालो मुझे। हैं, मार डालूं? मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहा तू? और देख भाई, तू शक्ल से तू शरीफ इंसान लग रहा, बल्कि मुझे को मुसाफिर टाइप इंसान लग रहा तू। बल्कि ये जो तूने पीछे लगाया वो बस्ता टाइप चीज, इसमें का सामान है, कुछ चीजें बेचता है तू शैंपू शैंपू, हैं, दान साफ करने का मंजन, ऐसी बात नहीं है। तो चल फिर बैठ जा, बैठ के बात करते, दिखाई ना जरा मुझे ये। ओए चाइना की फर्स्ट कापी लग रही, चल अच्छी बात है, बैठ जा बैठ जा, बात करते बैठ। आओ आओ शाबाश, कदम बढ़ाओ जल्दी से। मैं क्या सरकार, मुझे तो कभी अंदाजा ही नहीं था कि कपड़ों का भी इतना वजन होता है। अबे ओ काहिल इंसान,
इतना सा वजन नहीं उठाया था तुमसे। लुक एट मी, कितना भारी बैग उठाया हुआ है मैंने। लव जी सरकार, उसमें है के 4 लिपस्टिक थे, 10 नाखून, वो भी उंगलियों पर गिन के। मुझसे पूछे न जाने कितने सारे कपड़े उठाए हुए मैंने। लव जी अगर ये वफा जी का सामान नहीं होता ना तो कसम खुदा दी मैंने यही छोड़ के दौड़ जाना। एक्सक्यूज मी, हु टोल्ड यू ये वफा की शॉपिंग नहीं है? अबे और ढक्कन, ये सारा सामान मोनी और डॉली के लिए है। आखिर ईद के बाद मोनी की भी तो शादी हो रही है। ये क्या कह रही हैं आप बीबी जी? मैं तो मार्केट में जिस कपड़े पे भी आप हाथ रखते थे मैं वफा जी को ही समझता था। मुझे नहीं पता था कि आप लोगों ने मुझे टोकन बना के ये कपड़ों की शॉपिंग करवाई है। जाओ जी, आप लोगों ने मेरा दिल तोड़ दिया। सीधे हम करें तो साला करेक्टर ढीला है। कैसा डिजाइन है ना इसका कप का। ओ भाई चोर, ये ले भाई, शक्कर शुगर तो तू पीता ही होगा है। तेरी जिंदगी में वैसे ही बड़ी तलखियां हैं तो मैंने सोचा इसके अंदर 25 चमचे चीनी के डाल दूं। ये ले पी ले। शुगर शुगर जितनी भी हो मेरी तलख जिंदगी में मिठास नहीं पैदा कर सकती। ओए बड़ा शहर टाप आदमी लगा भाई तू, नाम क्या तेरा? यार चोर नाम है मेरा, चोर। चोर अबे ने रखा था क्या अम्मी ने? यार तुम मुझे मार क्यों नहीं रहे हो? तुम तो बहुत बहादुर इंसान हो, टेटुआ दबा के लोगों को मार देते हो, मुझे क्यों छोड़ रहे हो? और मुझे तार सारा है तेरे पे, देख रहा। मुझे लगता है तेरा सामान छपान बिक नहीं रहा इसलिए तू अफसुरदा टाइप इंसान बन गया। देख सामान बेचने वालों ने कैसे नए नए तरीके निकाले ना अपना सामान बेचने के। अब मुझे पता तू चोर बन के इधर आ गया, लेकिन फिर थोड़ी देर में तूने कहना देखे मेरा सामान नहीं बिक रहा, मैं बड़ा मजबूर हूँ, ये वो खाने के पैसे टाइप चीजें नहीं है, तो मैंने तरस खा के तेरा सारा सामान खरीद लेना है। शरीर इंसान यार मैं चोर हूँ भाई, चोर। अपनी जिंदगी से आजिज हूँ, बस मर जाना चाहता हूँ, इसीलिए तो ये पिस्तौल अपने हाथ में लेकर घूम रहा हूँ कि कोई भी बहादुर इंसान मुझे मिले, मेरी पिस्तौल लेकर वो मुझे ही मार डाले। लेकिन लोग मुझसे ही डरकर अपना सामान मेरे पास छोड़कर भाग जाते हैं। एक तो मेरी अपनी जिंदगी बोझ और फिर ये दूसरों का सामान। तू मरना चाहता ना, और मैं हिट होना चाहता हूँ। देख एक आइडिया मेरे पास, इस घर में जो है ना एक पार्टी टाइप सीन होने वाला कल, तूने उसमें डाकू बन के आ जाना, मैंने मुकाबला करना तेरे साथ और मैंने फिर तुझे मार देना। इस तरह तू भी मर जाएगा, तेरा काम भी हो जाएगा और मैं भी हिट हो जाऊंगा और मैं बहुत सारे लोगों को मुतासर भी कर सकूंगा। समझ गया ना बात मेरी? कल पक्का? ठीक है तो कल तक मैं और जी लेता हूँ। ये चीज या ना बात। ये ले सरकार, होने वाले शौहर की तरफ से पहला तोहफा। कितने अच्छे हो तुम। अच्छी तो आप हैं, ये पी लें। नहीं तुम पियो। नहीं ना सरकार, मैं कह रहा हूँ ना आप पी लें। कहा ना तुम पियो। मैं कह रहा हूँ ना आप पी लें। पियो। अच्छा जी, और दसो वफा जी। है जी, वफा जी कहाँ चली गई? गरीब का ख्वाब भी ऐसा ही होता है जैसा खोते का ख्वाब होता है, आधा सच ते आधा झूठ। तेरा बेड़ा गर्क की दिया, अपने लिए दूध लेने भेजा था मैंने गिलास भर के, मेरे लिए लेके आना, खुद पी के खड़ा हो गया यहाँ पे। माफ कर देना, किधर गए? ओए तू इधर क्या कर रहा है? आपको नजर नहीं आ रहा, पानी में डूब के मरने की कोशिश कर रहा हूँ। और खाली पैर डुबाने से कौन मरता है, बाकी बॉडी कौन अंदर लेके जाएगा? ओ यार थोड़ा सब्र करें, पानी बहुत ठंडा है, छलांग लगा लूंगा थोड़ी देर में। ओए ऐसे ही लगाता हूँ छलांग, निकल बाहर से, इधर मैंने मरने नहीं देना तुझे। चल। नहीं मैंने नहीं आना बाहर। चलता है कि मैं पानी गंदा करूं? अच्छा अच्छा आता हूँ, आता हूँ। जल्दी जल्दी चल, हाथ पकड़ मेरा, हाथ पकड़। तो बच गया, अब तू बच। चल जूते पहन जल्दी से, अपना जूता पहन जल जल्दी। अच्छा अच्छा जी, अच्छा जी। ले विशीदे, आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब तेरा ब्याह हो जाएगा। वाह 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 वाह, हाय कितने ख्वाब देखे थे मैंने। वैसे बतौर कुमारा शीदा साहब आज आपकी आखिरी रात है, तो आप इंजॉय करके सो जाएं। कल से तो फिर आप शादी शुदा कहलाएंगे मिसेज एंड मिस्टर शीदा। ताड़ियां छापो। ओ अच्छा चौधरी साहब, भाई क्या कर रहा है तू, पागल तो नहीं हो गया? कुछ नहीं चौधरी साहब, ए कौन है? ओ ये ऐसे ही पागल का बच्चा है, मरना चाहता है। है जी मार दे इसको। क्या कर रहे हैं चौधरी साहब? ओए बात सुन मेरी, इससे पंगा ना लेना, बड़ा ही खतरनाक इंसान है ये। इसके पांव का अंगूठा देखा तूने? ओए चीची नहीं देख, अंगूठा देख, इसके नीचे ना ऐसे मसल देता है चींटी की तरह, पता भी नहीं लगता इंसान का। क्या बातें कर रहे हैं चौधरी साहब आप? थैंक गॉड ये मुझे मार तो देगा ना। यार आप ही मेरा गलत बात हो,
दबा दो मेरा गला, दबा दो। उधर खिलौता रहा है, मार क्यों नहीं देता यार? एक ही दफा इसका किस्सा खत्म हो। मैंने तो ऐसा जबरदस्त इसके लिए तरीका सोचा था मारने का, लेकिन मार नहीं रहा ये बेवकूफ। आप करना यह है कि तूने इसका गला दबाना है। मार डाल इसको, ना रहेगा बांस तो ना बजिए बांसुरी। चौधरी साहब क्या बातें कर रहे हैं आप? मारता का नहीं चौधरी साहब, जरा बाहर आके मेरी गलत सुन लो। पक्की बात, पक्की बात है। मैं इधर देख तेरी ऐसी की तैसी, हट इधर बैठ, चल बैठ। चौधरी साहब चल जाएगी और चाना किया को मसला नहीं है। अच्छा फिर ठीक है, हाँ तो फिर हेलो दिल दिल पाकिस्तान तो जेने कहा मैंने फिर कौन भी जाता। चल इसको बोला चल 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 चल। यार तूने ठीक नहीं किया, तुझे मार देना चाहिए था उसको। चौधरी साहब आप कैसी बातें कर रहे हैं? कल इस कार में निकाह है, जे वो इस कार में मर गया तो पोल्स आ जाएगी, पोल्स आ गई तो सारी पार्टी कैंसिल हो जाएगी। ओए दफा हो, पार्टी कैंसिल होती है तो मेरी कौन सी अपनी पार्टी है? लाओ मैं सी देता हूँ, ये वाली कमीज पार्टी है। ओए पार्टी का मतलब वो डांस वाली है, ऐसा से बांस कर दे। तो तू रुकता भी नहीं है। अच्छा मारा क्यों नहीं तूने उसको यार? सरकार मैं कैसे मार दूं? अगर आप मारना चाहते हैं तो आप उसको भी मार दें, और इस कार में जितनी कुड़ियों के सपने हैं उनको भी मार दें। कुड़ियों के सपने? कौन देख रहा है सपने? सारी कुड़ियां चौधरी साहब, क्योंकि वो कुड़ियां जानती हैं कि कल इस कार में दावत है, और जब इस कार में दावत होती है तो चौधरी नजाकत तुम ताम से बड़े आलिशान तरीके से तैयार होके उस दावत में आता है, और जब चौधरी नजाकत कहीं आता है तो फिर कुछ और उसके आगे टिकता नहीं है। चौधरी साहब मार डाले आप उन कुड़ियों के भी सुपड़े। बस ठीक है, जो तू कह रहा है तो मैं तेरी बात पे यकीन कर लूं। गुड, बिल्कुल कर लो चौधरी साहब। जे मैं झूठ बोला तो रात 12 बजे से पहले दिन ना तब्दील हो। इतनी बड़ी बात कह दी तूने, अब मैं देखता हूँ कि शब्बीर कैसे मरेगा। नहीं मरने दूंगा मैं। बिल्कुल, कोई देखे ना देखे कामरान खान तो देखेगा, और वो तो कुछ नहीं छोड़ता। ओए शीदे मैं तेरा क्या करूं, मेरा दिल करता है तुझे मिनट में घर से निकाल के बाहर कर दूं। हरा कम पिया है तेरा, पियो आके कटेगा मेवा। कैसी बात कर रही है बेगम साहब? शीदे का जब भी हाथ लगता है तो मिनटों में सारा काम हो जाता है। आप यकीन करें मैंने सारा मेवा काट के उधर रख दिया ऐसे सजा के। हैं जी शाबाश, ले फिर मेरा एक और काम कर दे। हुकम, कशमश ले आ जाके जल्दी से। लो जी ये कौन सी बात है, शीदा यूं जाएगा और कशमश लेके आ जाएगा? लेकिन मेरी एक बात समझ में नहीं आ रही है बेगम साहब, आपने उसे छुआरे क्यों कटवाए? क्योंकि वो तो लड़के वाले लेकर आते हैं। तो हाँ तो हम आद अफराज वाले लेके आएंगे ना साबत छुआरे। हमारा दिमाग खराब है कि हम साबत छुआरे रख दें? बेगम साहब आप बोल रही हैं कि आज मेरा भी निकाह है। आप यकीन करें शहरी के टाइम से लेके अब तक मैं मुस्तकिल काम कर रहा हूँ। 9 किलोमीटर में भागता हुआ गया हूँ और 9 किलोमीटर में पैदल वापस आया हूँ। आप यकीन करें आला क्वालिटी का मेवा लेकर आया हूँ, आप चेक कर ले, एक दाना खराब नहीं होगा। बात सुन, बोता ओवर ना हो है, ईद आने वाली है, ढेर सारा मैं खीर खोरमा बनाना है, उसके लिए मेवा कटवाया है। तेरा ब्याह नहीं है? है जी। हाँ जी, गरीब को सपने दिखा दिखा के मार दे आप लोग, सारे ने मेरी मात तमाई, अल्लाह की कसम। सरकार पीछे से आवाज नहीं देते, हुक्म करें। अबे चल छत पे कपड़े पड़े धो जाके। कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा निकाह है आज और आप मुझसे कपड़े धुलवा रही हैं? बे तो क्या हो गया, क्या धूले कपड़े ही धोते क्या? नहीं, आज शीदे का निकाह है, आज ये कपड़े नहीं धोएगा। वाजी वाह सरकार, क्या बात है आपकी, ये होता है इंसान परस्त इंसान। अरे डैड ये नहीं धोएगा तो कौन धोएगा? बरवीन कह दिया तुमसे आज ये कपड़े नहीं धोएगा, थोड़ा नहीं आपने डैड। वाजी वाह सरकार, आप किस कदर अजीम आदमी है, आज आपने एक दूल्हे के कपड़े धोने से उसे बचा लिया। आ जाओ मेरे साथ। सरकार आपके साथ तो मैं दोजख में जाने के लिए भी तैयार हूँ। दोजख में जाने की जरूरत नहीं, बाद में चले जाना, पहले ऊपर चलो, कमरे की सफाई करनी है तुमने, इसीलिए मैंने तुम्हें कपड़े धोने से मना करवाया है। मेहमान आने वाले हैं घर में, आज तेरा निकाह है, वो मेहमान बराती बनकर भी शामिल हो जाएंगे। लेकिन सरकार मैंने तो किशमिश लेने जाना है। तो मुझे पैसे दो, किशमिश मैं लेके आता। लेकिन वो किशमिश इस दुकान से नहीं मिलती, बड़ी दूर से लानी पड़ती। अजय बड़ी दूर से लाना, पहले चलकर ऊपर कमरे की सफाई कर, फिर सब कुछ होगा। चलो तू इधर क्या कर रहा है? नजर नहीं आता, मरने की कोशिश कर रहा हूँ। मरने की कोशिश कर? ओ भाई क्या हो गया, मैं तुझे समझाया था, चल बाहर आ जा। शाबाश, मैं आज तुम्हारी भी नहीं सुनूंगा, समझे? ओ भाई मैंने तुझे मैं समझा देता हूँ, ये तूने मुंह पर ठाठा क्यों बांधा भाई? ताकि जरासीम में दाखिल हो मेरी नाक में।
जरासीम? ओए हमारे घर में कोई जरासीम नहीं होते, साफ सुथरे लोग हैं। ये फासल कुरैशी का इश्तहार नहीं बन रहा है कोई। मैं तो आज अपने आप को फांसी लगा कर ही छोड़ूंगा, आज तुम भी मुझे नहीं रोक सकते। ओ मेरा भाई नहीं है, मैंने तुझे देख कितना समझाया, एक दफा फिर समझाया तो आ जा मेरे। मैं बिल्कुल भी नहीं सुनूंगा। और सुनो, जब मैं कुबोर्ड पे खड़ा हूँ तो मेरे नीचे से कुबोर्ड खींच लेना, ठीक है? वही कुबोर्ड कैसे निकलेगा? ओए ये तो छेनी हथौड़ी का काम है। अच्छा तू ठहर जा, मैं लेके आता छेनी हथौड़ी। जा ही नहीं इधर से। ये फिर बहाना बना के भाग गया। मैं जानता हूँ ये मुझे मरने नहीं देगा, चलो किसी और तरीके से सही। और नहीं जी भाभी जी, ये कोई बात नहीं होती। हाँ जी शादी आपके बेटों की है तो हमारी भी तो बेटियां है ना, हक दोनों का बराबर होता है, जितना आपका हक उतना हमारा हक। ले जी फिर अपने भाई साहब से बात करें। हाँ हेलो, आप देखो ये बातें औरतों की औरतों में तय हो जाए तो अच्छा रहता है, ये मर्दों का क्या काम इस किस्म की तकारीफ में है। हाँ तुम ये सुनाओ, रोजे कैसे गुजर? अच्छा सुनो, बरी वगैरह का कोई ऐसा तकल्लुफ ना करना, तुम जहेज में कोई खास डिमांड हो तो मुझे बता देना। मुझे भी। हेलो, हाँ जी भाभी जी, वो इनकी बातों में ना आना, सारे मामलात पहले से तय होने चाहिए। हाँ जी नहीं जी नहीं, सारे मामलात शादी से पहले तय होंगे, इंसाफ की बात होगी फिर बिल्कुल। हाँ जी ठीक है जी, ठीक है जी, अच्छा फिर खुदा हाफिज। गल तो करनी सीख लो, सारी फरमाइशें उनसे पूछ पूछ के बैठ के। चलो भाई तेरा तो काम हो गया, ये पर्चा ले लेकर चला जा, जाके उसको बोलना इसके अंदर जो जो चीज लिखी है सारी चाहिए, वरना शादी नहीं हो सकती। हैं जी, लेकिन चौधरी साहब ये पर्चा पढ़ने के बाद वफा कहीं बेवफा ना हो जाए। यही तो मैं चाहता हूँ। हैं जी, और किधर से बेवफा हो जाना, उसने मेरा मतलब ये था कि वो नहीं मानती बुरा इस तेरी बातों का, ठीक है? वैसे भी कौन सा, वो तो उसे शादी करने के लिए मरी जा रही थी, ऐसे मजबूरी में शादी कर रही है, वरना तेरा और उसका लेवल ही कुछ नहीं है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ चौधरी साहब, लेवल तो आपका और उसका मिलता है। मैं तो कहता हूँ ये पर्चा आप ही दे दें जाके उसको। मैं कैसे दे सकता हूँ भाई ये पर्चा? ये देख, जो जहेज की डिमांड टाइप चीजें होती है ना, ये तो दूल्हा ही करता, और तू दूल्हा बनने जा रहा, मैं नहीं। इसकी जल्दी से चला जाकर दे दे, इससे पहले नकाह हो जाए, ये रस्म पूरी कर दे। ना पता क्या होना, नकाह हो गया ना एक दफा, हर चीज हाथ से निकल जाएगी। अच्छी बात है। क्या अच्छी बात है, ऐसे जाएगा पागल तो नहीं हो गया? फिर ऐसे फुला सीने को, और जैसे होता ना टाइटमैन खिंचावन सा, चौधरी जाकर टाइप हो गया ये काट, और अब आवाज भी वैसी निकाल। अच्छी बात है, ऐसा बोलेगा देना मैंने गुद्दी के नीचे चाटा, ऐसे आवाज निकाल। अब बोल। अच्छी बात है। ये बात हुई ना, थोड़ा और फला, ये डेढ़ पाव काम कर ले, डेढ़ पाव ये बस। अब ठीक है, अब इसी तरह चलता हुआ जा, ऐसे ही। हाँ हिलना नहीं है। शाबाश, देखा फिर आप लोगों ने कैसा बनाया मैंने, हर घर से निकलेगा चौधरी जाकर, जितने रोकोगे उतने निकलेगा, और वो आप घर में भी घूम रहा है एक बलूंगड़ा छोटा जैसा, और तेरी मैंने लगा रहा मैंने यह चौधरी जाकर। शीदे मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, एक कार, एक मोटरसाइकिल, 18 स्प्लिट, 3 यूपीएस, 50 तोला सोना, कुछ भी तो नहीं छोड़ा तुमने यार। सरकार छोड़ी मैंने अपनी जिद छोड़ी है, मेरी जिद थी कि मैं कभी जहेज नहीं लूंगा, लेकिन क्या करें आप हालात देखे, ना पानी है ना बिजली है ना गैस है ना नौकरी है, तो बंदा यही करेगा ना फिर बगाड़तियां। अबे ओए, तुझे अपना नौकर कहते हुए शर्म आती है मुझे? हैं जी, तो फिर शोर तो आप कह नहीं सकती मुझे। यार ये देखो कितनी लंबी लिस्ट बनाई है इसने। हाँ देखो देखो जी, कुछ भी नहीं है ऐसा, तो ऐवें कर। ये क्या कर रही हैं आप? और मेरी गाल सुने, पुलिस को फोन मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे मुल्क में अभी तक जहेज लेने वालों को पुलिस नहीं पड़ती है। अबे अहमद, अपने पापा को फोन मिला रही हूँ ताकि उन्हें भी पता चले कि उनका दामाद कितना बड़ा लालची है, और अब मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम पापा का बिजनेस तबाह करके उन्हें कलाश कर दोगे, और वो कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। अच्छा सुनो, ये तुम इस लिस्ट में 3-4 बैंगलोर का इजाफा कर सकते हो? मेरी बेइज्जती हो रही है कि बीबी जी सीरियस हैं? 3-4 बंगले? जी वफा जी, लाओ जी मैं अभी 2-3 बंगाली ऐड करके लेकर आता हूँ, कौन सी मुश्किल बात है। जी सरकार, आपने बुलाया मुझे। देख भाई, आज अफ्तार के बाद तेरा निकाह है, तैयारी कर लेना। और दुल्हन को गिफ्ट में क्या दोगे, या बस यूं ही तोहफा? मुंह दिखाई। सरकार सोचा तो बहुत कुछ था, बड़े बड़े सफड़े थे मेरे,
कि जब मेरा ब्याह होगा तो कितने तुम तड़क कैसे करूंगा, लेकिन टाइम ही नहीं दिया कुड़ी ने। उसने कहा जी फौरन ब्याह कर लो, तो मैं कर रहा हूँ। वैसे एक चीज का वादा करता हूँ सरकार आपसे कि ब्याह के बाद मैंने इतनी मेहनत करके ढेर सारे पैसे जमा कर लेने हैं। हैं जी? अरे वो तो बात की बात, ये ले तू, ये लो, ये अपनी दुल्हन को पहना देना। वो सरकार ये तो सोने की है, ये असली सोने की है। लेकिन ये मैं आपको वापस कैसे करूंगा? अगर वफा जी ने पहन ली तो ब्याह के बाद बड़ा बुरा लगेगा उनसे के उतार के दो, मैंने मिर्जा साहब को वापस देनी है। यार तुझसे वापस करने को कौन कह रहा है, जा ये तेरी है जी। और सुनो, किसी को बताना नहीं वरना मैं कान कान दूंगा। चल जा निकल जा। हेलो, हाँ हाँ शायद, अच्छा 25 बच्चियाँ ठीक है, ईद के बाद रख लेते हैं ये तकरीब। हाँ ठीक है, जो जो कुछ भी होगा वो मैं डाल दूंगा, मैं तुम फिक्र ना करो, बस ये देख लेना कि जेन्युइन हो सब। हाँ सब मोहल्ले वाले जरा शिकर विकत लोगों की। हाँ नहीं नहीं, अखबार में नाम नहीं आना चाहिए मेरा, बच्चियों की शादियाँ कोई पब्लिसिटी के लिए थोड़ी करते हैं। नहीं नहीं वो मैं सब कर लूंगा, बस नाम नहीं आया मेरा, वरना मैं डोनेशन वापस ले लूंगा अपनी। हाँ ठीक, थैंक यू। अबे तू गया नहीं? सरकार आप बेसहारा कुड़ियों का ब्याह भी कराते? करवा सकते हैं तो करवा देते। हाथ साफ है आपके। क्या मतलब तुम्हारा, क्या कर रहे ये, क्या कर रहे? कार आप बहुत अजीम आदमी, पागल हो गया बेटा। नेक आदमी है, मैं क्या समझता रहा हूँ इसको। लादास शेड्स के आगे पास ओवर हो जाते थे थोड़े से। परी तुम्हारी कॉल आ रही है, तुम उठा लो यार। हेलो हेलो, लगता है आपको मेरी आवाज नहीं पसंद आ रही। नाम भी दिखावा नहीं आ रहा। हेलो, अरे भाई जब बात नहीं करनी तो फोन क्यों किया है? वो थोड़ी सी बिजी हैं, मैं आपकी बात करवा दूंगी उनसे। बट आप कौन? ओके बाय। कौन था? कोई भीरा था। क्या पीरा? क्या बताऊं यार, जब तक था तब तक एहसास नहीं हुआ, और अब जब वो नहीं है तो किसी काम में दिल नहीं लगता, कुछ भी करने को जी नहीं चाहता। वो तो अच्छा हुआ कि तुम आ गए, मेरा दिल बहल गया, वरना पता नहीं मैं क्या कर बैठती। उल्लू हो तुम भी। पता है जब कोई सामने ना हो और उसकी याद आए और उसका चेहरा तुम्हें नजर आए तो ऐसी हालत को क्या कहते हैं? मोहब्बत, यानी कि तुम्हें उससे प्यार हो गया है और वो तुम्हें याद आता है। उसके जाने के बाद तुम चिड़चिड़ी हो गई हो, समझी? क्या हो गया यार, पागल वागल तो नहीं हो गई है? नेक परवीन नाम है मेरा, और नेक परवीन को किसी से मोहब्बत वोहब्बत नहीं हो सकती। भाई इंसान है, उनसियत हो जाती है। क्यों, मैं तुम्हें याद नहीं आती थी क्या? दोस्तों को याद करता है इंसान। कोई मोहब्बत वोहब्बत नहीं हुई मुझे, पहले उनसियत ही होती है बाद में प्यार। मान ले नेक परवीन, तू देर से उसकी हो गई है। हेलो, खो गई ना उसके ख्यालों में? नहीं कुछ नहीं वो। अरे हाँ यार, मैं ये बोल रही थी कि तुम्हारा निकाह कितने बजे है, कुछ टाइम वाइम डिसाइड हुआ है ना? हाँ बोलो भाई बोलो, क्या कहना चाहते हो?
देखे पापा की बात ये है कि देखे हर तरफ घर में शादी के गीत गाए जा रहे हैं, सीधा वफा जी का निकाह है, फिर ईद, ईद के दो दिन के बाद सुहिरा जी और मोनी जी की भी शादी हो जानी है, एक बेचारी अकेली नेक परवीन नहीं रह जाना। खैरी सलाह, नेक परवीन क्यों कुंवारी रह जाएगी, उसकी भी शादी होगी, उसकी भी बारात आएगी इंशाल्लाह। मैं समझ गया आपको बहुत जल्दी है, कोई नहीं मैं इंतजाम कर लेता हूँ, आज ही निकाह कर लेते हैं हम। ए मजाक पे, हर वेले मजाक अच्छा नहीं होता, वो बीरा करेगा उससे शादी, ऐसा करके तो वो गांव गया था कि सारे शादी का इंतजाम करके तो शहर आके तो उसको ले जाए नाल। क्या कह रही हो? ओए ओए, तू इतने आराम से इधर क्यों लेटा हुआ है, मरने मुने का इरादा नहीं आज तेरा? वही तो सोच रहा हूँ कि ऐसा क्या किया जाए कि मौत आ जाए मुझे। और मैंने इंतजाम कर लिया, बस तूने कल आना है निकाह के वक्त औरतों के जेवर जुवर छीनने, पर मैंने तुझे गन से मार देना, ठीक है? बात समझ गया? पर शीदा तो कह रहा था कि अगर ऐसा कुछ हुआ तो उसका निकाह रुक जाएगा। और रुकता है तो रुक जा मेरी बला से, मुझे क्या इसमें, बस तू अपने घर वालों को बता दे कि तेरा इंतजार करे जहन्नुम के दरवाजे पर, समझा कि नहीं? हेलो, ओए हाँ कैप्टन, ओह यार वो सुन, तू हमेशा बोलता रहता ना मैं तुझे कोई काम बताऊँ, तो सुन एक काम है, मुझे लाइसेंस बनवाना है आज ही, वो अपना नहीं अपनी पिस्तौल का यार। और असल में बात ये है कि वो जो शीदा है ना, उसका निकाह है घर में, तो मैंने कहा ऐसे कि कभी चोर डाकू आ जाते हैं हमला कर देते हैं, तो इंसान के पास जो है ना वो असला के लिए वो होना चाहिए लाइसेंस, ताकि पिस्तौल चला देते तो कोई मसला ना हो, समझा मेरी बात को? बस ये काम करना तूने मेरा, चल ठीक है। ये ना चौधरी ताकत माकना तीसरी ताकत दिखाते हैं फिर लोगों को अट्रैक्शन, समझ नहीं आ रहा किसको दिखा, ऐ खलोता भाईजान जरा ये देखना शबीर भाई, ऐ क्या कर रहे हो? ओ भाई सारा कुछ तूने बंद कर लिया तो हवा अंदर और बाहर कहां से आएगी जाएगी? मैं मरने की कोशिश कर रहा हूँ यार। तेन अल्लाह का वास्ता भाई मेरे, तू क्यों ऐसी कोशिशें कर रहा है, तूने मरना है तो एक दिन रुक जा, कल मर जाई भाई, तेन अल्लाह का वास्ता है। मैं तो ये बात समझ सकता हूँ, चौधरी नजाकत को कौन समझाए ये बात, वो मुझे कहता है कि आज मर जा, अब कल ना सही तो आज ही सही, मैंने भी क्या करना है यार, मरना ही तो है। और यार मैं समझता हूँ तेरा मसला, लेकिन देख मेरे प्रावा, तेरे एक दिन जिंदा रहने से एक आदमी का कार पास जाएगा, बड़े अरसे से रोक के बैठा हुआ मैं अपने अरमानों को, मेरा प्रा है ना, रुक जा मेरे भाई, तनु अल्लाह दवा, तू एक काम कर, तू मेरे साथ जा, मैं तुझे एक चीज बताता हूँ, चुक सारा कुछ, चुक चुक चुक। किधर भी नहीं है, किधर चला गया वो चोर, कहाँ तलाश करूं उसे, और जब वो नहीं मिला तो मैं ड्रामा कैसे करूंगा, और जो ड्रामा नहीं हुआ तो फिर उसको मारूंगा कैसे, और जो नहीं मारा मैंने तो वफा की शादी कैसे रुकेगी, चौधरी जाकर सोच, बाहर जाकर ढूंढते हैं कहीं और, चल। होए 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 सरकार, मैं आपको बताऊं इससे अच्छी मरने की जगह आपको मैं नहीं ला सकता था, हम इस वक्त बड़ी ऊंचाई पे मौजूद हैं, अगर आप यहाँ से छलांग मारेंगे ना तो एक हड्डी भी नहीं बचनी आपकी। यार वैसे भाई मैं यहाँ से छलांग मारूंगा, मैं मर तो जाऊंगा ना। बिल्कुल सरकार, मैंने यहाँ से एक दफा कबूतर को गिरते हुए देखा, वो नहीं बचा, आप तो फिर भी इंसान है और वो भी लकड़ के इंसान, मेरा मतलब यह है कि आपके दिल में ये ख्वाहिश है कि आप खुदकुशी करना चाहते हैं, तो इससे अच्छी जगह मैं नहीं ला सकता था जी। अल्लाह खैर, ठीक है जी मैं चला। एक मिनट भाईजान, एक मिनट, मैं आपको ऐसे छलांग मारते हुए नहीं देख सकता, मेरा त्राह निकल जाएगा, मैं जब यहाँ से हट जाऊँ तो फिर आपने छाल मारनी है जी। ओ मेरे रब्बा, मार दे जी छलांग। मैं चला जी। किधर चला गया, किधर चला गया भाई? ओ कैप्टन सलीम, ओ इंस्पेक्टर सलीम, ओए और मेरा काम हुआ कि नहीं? ओ यार कल सुबह आ जाएगा, आज सारे ऑफिसेज बंद हो गए थे, सॉरी यार। अच्छा चल कोई खैर आया, वो वैसे भी जिसने चोरी करने आना था उसको पता ही नहीं लग रहा है? क्या मतलब है? पर कहीं तू खुद ही चोरी करवाने के मूड में तो नहीं था? नहीं असल में बात यह कैप्टन सलीम के, ओए कोई गल यार, बात यह है कि जानते ही ना मैं कोई आम इंसान तो हूँ नहीं चौधरी जाकत, इसलिए मेरी जो मालूमात का जो दायरा ना वो भी बड़ा वसी टाइप है, तो तू अंदर जा मैं जरा आता हूँ भी। की गल है,
पक्की गला कैप्टन सलीम। इंस्पेक्टर चला भी जाए यार, इतना टाइम नहीं है मेरे पास, खत्म हो जाना। ओए ये चला किधर गया? मिल तू नहीं रहा मुझे, मैंने भी ये शादी ना ना रुकवाई, मेरा नाम भी चौधरी साकत में, देखता हूँ जरा। ओ शीदे साहब अब थल्ले आ जाओ आप, काजी साहब आके बैठे, लगता दुल्हन तैयार हो रही है, नीचे आओ जल्दी। काजी साहब आ गए, चल आ जा, कवर कर लो अपने फेस को, बिल्कुल ठीक रहेगा। मैं सरकार के मुंह लुका लिया ना तो मेरी टक्कर किसी के साथ हो जाएगी और मुझे क्या पता चलेगा कि मेरा ब्याह किससे हो रहा है जी। अस्सलाम वालेकुम फूफो जी। वालेकुम सलाम पुत्र जी, क्या हाल है आपके? बढ़िया फूफे, माशाल्लाह ब्याह शिया मुबारक हो ना। बहुत बहुत मुबारक हो, देख है इसके मूड का भी पता नहीं चलता। देखो अभी तो कह रहा था मैंने मुंह नहीं टकना, अभी शेरा मुंह पे पा लिया, अजीब ही है भाई, समझ नहीं आती मुझे इसकी। उधर किधर जा रहे हो? वहाँ जाना है, काजी साहब उधर बैठे हैं। मैं क्या, आप लोग चले, मैं इधर लंबा चक्कर लगा के आता हूँ। कोई बात नहीं, हम भी बराती बनकर तुम्हारे पीछे पीछे चलेंगे। हैं जी, अच्छा हेलो है। लगता है शादी की खुशी में बावला हो गया जी। सलाम अलैकुम बाकर भाईजान। हाँ जी, बस माशाल्लाह से नकाह शुरू होने वाला है। तो सब आप क्यों फिक्र कर रहे हैं? मिर्जा साहब सारे सारे बैठे हैं, दूल्हा भी बहुत ही खुश है, छलांगे मार रहा है अल्लाह की कसम। जैसे ही होता है हम आपको तलाक करते हैं। ठीक है जी, ठीक है, चलें जी, खुदा हाफिज़। ओहो मिर्जा साहब किधर रह गए? सवेरा जल्दी आओ, छेती आओ, सारे इंतजार कर रहे हैं यहाँ पे। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। यू नो मुमानी जान, ऊपर का सारा फ्लोर गंदा हो गया है, चिपर चिपर कर रहा है। शीदा, यू गो एंड क्लीन इट अप, जाके सफाई करो। मैं क्या बीबी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरा निकाह होने वाला है, आप मुझे सफाइयां करवाने का कह रही हैं? शीदे बहुत शोखा ना हो, निकाह हो रहा है तो अपनी मुलाजमत भी भूल गया, जा जाके सफाई करके चल फटाफट। बीबी जी मैं नहीं जाना किसे निकाह से पहले, मैं यहाँ पे पहले निकाह कराऊंगा बस। क्या हो गया तुझे, इतना जिद्दी क्यों हो गया? बहुत ही तू जिद करने लगा है, शोखा सा हो गया बड़ा। एक तो ये पता नहीं सलीम किधर रह गया। लाओ जी मैं सफाई करके आना। हैं? एक मिनट में इसको क्या हो गया? एक मिनट में मूड बदलता है। मूड ही बंदा है बड़ा हमारा सीधा जो है ना। आप लिखते हैं। ये देखो ना चौधरी साहब, मुझे आज भी नहीं बख्शा, मुझे पोछे लगवा रहे हैं सारे। चोर के दर भागा, तूने कहीं उसको छपा के तो नहीं रखा? चौधरी साहब मैं क्यों छुपाऊंगा उसे, आप ही किधर नस गया होगा या किसी ट्रक थले आके मार गया होगा। अरे ये क्या करा तू? वही तो बता रहा हूँ चौधरी साहब, देखे ना मुझे पोछे लगवा रहे हैं, मेरे निकाह को टाले जा रहे हैं, ड्रैग कर दिया इन लोगों ने। ओए होए तेरा निकाह जो है ना मैं कराऊंगा, फिक्र ना कर तू। चौधरी साहब आपका तो हाथ ही नहीं मुकता। ओए चौधरियों के हाथ ऐसे ही होते हैं, देख तू फिक्र नहीं कर। मैं जब तक हूँ तेरा नकाह हो के रहेगा। है चौधरी नजाकत, मजलूमों की ताकत, तेरा नकाह मैं करवाऊंगा। क्या हुआ, मसला क्या है तेरे साथ? चौधरी साहब अभी इस मजलूम ने निकल जाना था। क्यों? ऊपर वैसे आइडिया है चौधरी साहब, आपके हाथ इतने बड़े हैं, मुझे सिर्फ 10 दिन के लिए उधार दे दे, मैं और बाबा जी इस पे बैठ के हनीमून पे निकल जाएंगे दुबई। पानी में रख के? हाँ जी। ओए ओए आइडिया बुरा लिया ना, कारोबार शुरू कर दे मिलके। चौधरी साहब चल जा, तेरा नकाह मैं करवाता हूँ। आइडिया अच्छा, बस मैं खुद भी बैठ के जा सकता हूँ। जी ओ वजीयत के खाने में किसका नाम लिखाना है? अब्बा जी का लिखे जी। ओहो बड़ी प्यास लगी है। ओए गिलास पे तेल के साथ। ओ शीदे आया चौधरी साहब। ओए आके यहाँ से कांच तो साफ कर यार जरा। नौकर की तो नखरा की, मैं किथे फंस गया। हमें अगर मालूम होता निकाह में इतनी ताखीर है तो हम तरावी पढ़कर आ जाते। ओहो मौलवी साहब थोड़ी देर आराम करें, आप इतने काले क्यों पड़ रहे हैं? अभी आ जाता है, 2 मिनट में भी गया ऊपर तो भी थल्ले आ जाएगा। आप खाना शाना खा के जाना ना। ये देख जब डाकू को तूने पकड़ना है ना, इस तरह करके ऐसे खड़े हो जाना उसके आगे, ठीक है? डन। जब वो पकड़ा गया ना, अपने लड़कों को बोलना चला पकड़ो उसको। ये चीज ऐसे करके, जब उन्होंने उसको ऐसा पकड़ लिया तो तूने फिर यूं करके ना ऐसे चश्मा लगाना। गाइस डू यू हैव एनी आइडिया? बेचारा शीता अभी तक सफाइयां करने में लगा हुआ है, पता नहीं किस कमबख्त ने ना वो गिलास तोड़ दिया, और वो बेचारा दूल्हा बना हुआ अभी तक सफाइयां कर रहा है। मतलब ना जस्ट टेल मी, किसी को क्या मिलेगा अगर काजी साहब चले गए और उसका निकाह नहीं हुआ तो?
बिल्कुल बिल्कुल, एक्सक्यूज मी। हेलो यार, बस 15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। ओके बाय। ओए कैप्टन सलीम। ओए इंस्पेक्टर सलीम। ओए कोई गाल है यार, ओए छुआरे वाले नहीं खाएगा तू? अरे इस बेचारे को तो आज भी काम से फुर्सत नहीं है, मेरी एक इमरजेंसी कॉल आ गई है, बाद में आऊंगा। अगर आप शरीक होते तो बहुत अच्छा होता। मजबूरी है, लगता है दूल्हा के हाथ में बदकिस्मती की लकीर है। ओके रब रख। दूल्हे के हाथ में लकीर हो ना हो, दुल्हन के हाथ में बदकिस्मती की लकीर जरूर होनी है। I just remember CNG, बिल्कुल ऐसी ही मेरी फ्रेंड के हाथ में भी थी। कौन थी आपके फ्रेंड के हाथ में? लेकिन हाथ तो मेरे पड़े हैं, मेरे हाथ में कोई क्यों नहीं आती, आपकी फ्रेंड के हाथ में कैसे आई? उसको तो छोटे होंगे हाथ मेरे से। No, no, no. I'm talking about लकीर, लाइन। आप इसकी बात लाइन, अच्छा मुझे ऐसा ऐसा मारते हैं। Oh my God. Forget it. और मैं समझ गया हूँ, ऐसी इसके साथ माहौल कर रहा था पागल जैसे। हौसला करें मौलवी साहब, अभी सब आ जाएंगे, आपको माशाल्लाह से निकाह पढ़वाने के लिए बुलाया, बाद में रोटी भी मिलेगी, ना घबराएं आप। वो देखें, ओ माशाल्लाह साडा दुल आ जा। ये सारी सफाई हो गई, मौलवी साहब निकाह शुरू करें। ओ इधर आ, इधर पुत्र इधर, शाबाश अशीदे कदी, ओए होए माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर बैठ आराम से चैन ले। और वही छेती से दुल्हन को लेके आओ, हमारा दूल्हा बहुत काला पै रहा है, जल्दी आओ। ओ वो माशाल्लाह भी देख, भी देख, वो भी आ गई। मेहंदी लगाने के लिए और मैं भूल गई। अभी कोई टाइम वाइम नहीं है मेहंदी का, मौली साहब शुरू करें आप भाई। हाँ जी हाँ, सो सॉरी। क्या रिसर्च कर रही है इसके हाथों में? यू नो निक परवीन, मुझे केमिस्ट्री भी आती है। ये आती है? अरे वाह जी वाह, इसको हाथ की लकीरें देखनी आती हैं। वाह भाई वाह, ये तो बड़ा जबरदस्त मौका है भाई, शादी के एन दिन देखोगे इसकी हाथों की लकीरें क्या कहती है, फटाफट बताओ ना। चलो शाबाश। लो जी बेटा, जो अशीन लिखा होगा। अरे हाँ बताओ ना। दस दस मुमानी जान, इसके हाथों में लिखा है कि इसके हाथ में लिखा है कि निकाह के ठीक 2 घंटे के बाद इसका शोर मच जाएगा। हाय लगी।